Hello everyone, in this video we will discuss the long question answer of plant around us. So let's start. So the first question is, what are terrestrial plant? Terrestrial plant हम किसको बोलेंगे? जो plants मिट्टी में grow करते हैं उसको हम terrestrial plant बोलते हैं. Plant which grow on land are called terrestrial plant. Okay. Next, how does the conical shape help the plant of hills? कैसे help करते हैं? The conical shape of this tree does not allow स्नो टू गेट डिपॉजिट ऑन दैम, है ना. कोनिकल शेप के ट्री होते हैं, जब भी स्नोफॉल होगा तो वो नीचे की तरफ बह जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा, है ना. सो नेक्स्ट, नेम टू ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट रीजन, टीक एंड रबर. नेक्स्ट, नेम एन अंडर वाटर प्लांट, वॉट काइंड ऑफ लीव्स डज इट हैव, हाइड्रिला, है ना. ये पानी के अंदर ग्रो करता है. इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स, उसका लीव्स जो होता है वो पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक होता है. Next, what is ploughing? Ploughing means what? The process in which farmer first dig the soil and loosen it and make it soft. इसका मतलब क्या? देखो, farmer crop लगाने से पहले मिट्टी को loose करते हैं, ठीक है? इसी process को ही हम ploughing बोलते हैं, okay? Next, list the different habitat of terrestrial plant. देखो, terrestrial plant कहाँ कहाँ grow करते हैं? हिल्स एरिया में, प्लेन, हॉट एंड वेट रीजन, मर्शी एरिया, इवन डेजर्ट एरिया में भी ग्रो करते हैं, है ना. नेक्स्ट, हाउ कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन. देखो, कैक्टस प्लांट डेजर्ट कंडीशन में कैसे ग्रो कर लेते हैं? क्योंकि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए डेजर्ट एरिया में भी ग्रो कर लेते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर कल्टिवेटेड प्लांट्स? कल्टिवेटेड प्लांट्स हम किसको बोलेंगे? जो प्लांट्स ह्यूमन ग्रो करते हैं उसको हम कल्टिवेटेड प्लांट्स बोलेंगे, जैसे कि राइज, मेज, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? स्टेट देयर टाइप्स एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. तो देखो, एक्वेटिक प्लांट का क्या मतलब? एक्वेटिक प्लांट जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं, है ना, पानी में मिलते हैं, उसको हम एक्वेटिक प्लांट बोलेंगे. ये दो टाइप के होते हैं, वन इज फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट एंड देयर इज अंडर वाटर प्लांट. तो देखो, फ्लोटिंग एक्वेटिक का एग्जांपल वाटर लिट्यूस, अंडर वाटर प्लांट हाइड्रिला. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाई शुड वीड्स बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड? वीड को क्यों रिमूव कर देना चाहिए? वीड शुड बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड बिकॉज इट कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, बिकॉज ये कल्टिवेटेड प्लांट्स को हार्म कर सकता है, इसलिए वीड को रिमूव कर देना चाहिए. सो दिस इज कम्प्लीट. आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.